अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, महंगाई के विषय के ऊपर, जिससे सारा देश पीड़ित है, उसकी चर्चा को आरंभ करने का मुझे अवसर दिया। ये जो महंगाई पे चर्चा है, ये एक व्यापक परिपेक्ष में हो रही है और उस परिपेक्ष का मैं इस सदन के समक्ष जिक्र करना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष जी, कोई भी अर्थव्यवस्था पांच बिंदुओं के ऊपर खड़ी है। पांच मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले आठ वर्ष में ये जो पांचों मूलभूत आधार हैं, इनके पर कच्चे उड़ गए। अध्यक्ष जी, वर्ष 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फिक यह पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। जो अनूप सतपति समिति है, जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत में जो बिलीनियर्स हैं वो 100 से बढ़कर 142 तो हो गए, पर जो सबसे नीचे का तबका है अध्यक्ष जी, उस तबके की जो आय है वो दिन भर दिन घटती चली गई। जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जिसका 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इस सब की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15,31,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था और उसमें से 99% जो पैसा है, 15,41,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था, 15,31,000 करोड़ रुपया उसमें से वापस जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आ गया। और आज तक ना सदन को इस बात की जानकारी दी गई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले आठ वर्ष से वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि ये जो फैसला था, ये फैसला क्यों लिया गया और उस फैसले का इस देश के ऊपर क्या असर पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका असर ये पड़ा कि जीडीपी का जो वृद्धि दर था वो 2017-18 में 6.8% था, 2018-19 में गिरकर 6.6% हो गया, 2019-20 में गिरकर 3.7% हो गया, 2021-22 में ये -6.6% हो गया, जिसमें कोविड का बहुत बड़ा असर रहा, और वर्ष 21-22 में ये 8.9% पर आया। पर ये आंकड़ा एक मिथ्या है, क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.3% थी। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं
कि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ वो सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ। कोविड उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पर उससे पहले ही जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो लगातार और निरंतर गिरती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो पहले छह महीने थे दो वर्ष 2018-19 के, उसमें जो फंड फ्लो था कमर्शियल सेक्टर में वो 7,36,087 करोड़ से गिरकर आपके सिर्फ 90,995 करोड़ रह गया, 87.6% उसमें गिरावट आई। और इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लागू किया, और उस जीएसटी का सीधा सीधा असर क्या हुआ कि 2,30,000 जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे वो छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वो आज भी उस मार से उभर नहीं पाए। सभापति महोदय, आज की तारीख में भी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योग है, उनका 10.6 लाख करोड़ रुपया बकाया है। सरकारी बकाया नहीं है, बट दे हैव आउटस्टैंडिंग्स ऑफ 10.6 लाख करोड़। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस सदन से ये पूछना चाहता हूं, अगर जो लघु क्षेत्र है जो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, अगर उसकी पेमेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10.6 लाख करोड़ डिले होंगी तो वो क्षेत्र बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस नोटबंदी का जीएसटी का जो असर है वो सिर्फ आपके लघु उद्योग पे नहीं पड़ा, रोजगार 2017 में जो बेरोजगारी दर था वो 4.77% था, 18 में बढ़कर 7% हो गया, 19 में बढ़कर 7.6% हो गया, 2020 में बढ़कर 9.1% हो गया और 2021 में बढ़कर 7.9% हो गया और जून 2022 में ये 7.8% पे था। सभापति महोदय, किसी भी विकसित देश में जो मापदंड है वो ये है कि 2/3 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में लगभग भारत में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, और अगर हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेके जाना जरूरी है। और मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इसको 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेके जाने के लिए कोई रणनीति नहीं है। और ये जो रोजगार की समस्या है, इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जिस तरह से मनरेगा की डिमांड बढ़ी है, आपके अप्रैल 2022 में 2.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा, मई 2022 में 3.7 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा, जून 2022 में यह संख्या बढ़कर 3.17 करोड़ हो गई। जब से ये स्कीम शुरू हुई थी 2006 में, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो लोग मनरेगा के सहारे अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस सदन में इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी थी 8 वर्ष पहले, इसी मनरेगा को उन्होंने गड्ढे खोदने की स्कीम उसके ऊपर अलंकरण लगाया था, और आज उसी के सहारे करोड़ों करोड़ों परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। सरकार को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और इस सारे संकट से उभारने के लिए जब लोगों की जेब में पैसा डालना जरूरी था सभापति महोदय, तो सरकार ने क्या किया, पूंजीपतियों की जेब में पैसा डाला। 2019 में 1,45,000 करोड़ के अपना कंसेशन कॉरपोरेट सेक्टर को दिए, और 2014-15 से 19-20 के बीच 4,32,32 लाख करोड़ रुपए के जो कंसेशंस हैं वो पूंजीपतियों को इस सरकार ने दिए। अगर उससे भारत की अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट हो जाती, इफ द इंजन ऑफ द इकोनॉमी वुड हैव स्टार्टेड फायरिंग, आई वुड हैव हैड नो डिफिकल्टी विद इट। बट द फैक्ट इज दैट डिस्पाइट द मिसप्लेस्ड और डिस्पाइट
What the government thought was a targeted strategy, it did not work. और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो नीचे ही बैठती गई और जो लोग थे वो गरीब होते गए। अब मैं पेट्रोल और डीजल पे आता हूं और मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो आज हुआ है उसका कारण आज नहीं है, उसका कारण पिछले 8 वर्ष की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। 2014-15 से लेके 21-22 तक इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपया एक्साइज टैक्स और डिविडेंड के मार्फत पेट्रोल और पेट्रोलियम सेक्टर से इकट्ठा किया। उसमें से 23,625 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी के मार्फत और 4,23,775 करोड़ रुपया डिविडेंड और इनकम टैक्स के मार्फत। और अचंभे वाली बात यह है कि सरकार अपना खजाना तो भरती रही पर लोगों की जेबें खाली करती रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल 2011 में जब कच्चे तेल की कीमत $150 थी तो पेट्रोल 58.56 रुपए में बिकता था और जुलाई 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत $98.94 हो गई तो पेट्रोल 96.72 रुपए में बिक रहा है। 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 1 अगस्त 2022 को वो जो कीमत है वो बढ़कर 1,003 रुपए हो गई। अब इस अगर आप गरीब लोगों के ऊपर भारत की जो माध्यमिक श्रेणी है उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालोगे तो सारा मुल्क त्राही त्राही करेगा महंगाई से। अब आप इन्फ्लेशन पे आ जाइए, महंगाई पे पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर, आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जिससे मेरे मन को आहत हुआ कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? क्या लोगों को बिल्कुल हम जमीन पर लिटा देना चाहते हैं? और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा पर 25 करोड़ जो इस देश में ग्रस्तियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, आज सही में माननीय सभापति हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला था मोछ दी लड़ाई ने मारत्या, दूजा यार दी जुदाई ने मारत्या, तीजा रब दी खुदाई ने मारत्या और बाकी जो बचा से महंगाई ने मारत्या। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।